अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वड़कम, राहिद फकीर मोहम्मद सोलगर, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो गाइस, देवगढ़ तालुके में और सिंधुदुर्ग जिले में ना बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है ना जो घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी, अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर अभी मैं हूँ फिलहाल पड़ेल कैंटीन में, और पड़ेल कैंटीन से ना 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ना विजय दुर्ग है, विजय दुर्ग फोर्ट। जी हाँ, सो विजय दुर्ग फोर्ट पे भी ना बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है ना जो वहाँ पर जाते हैं। मुफीद आरिफ बगदादी, इनका ये होटल रॉयल विजय दुर्ग है। सो आज इसकी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है, और ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए ना आमदार नितेश नारायण राणे सर, जी हाँ, ये आज ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी पे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। सो ये काफ़ी बड़ी बात है। लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर होटल रॉयल विजय दुर्ग, ये रोड विजय दुर्ग जाता है, एंड लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये होटल रॉयल विजय दुर्ग है, जहाँ पर आप लोगों को रहने के खाने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम राहिद, मेरा नाम मुफीद आरिफ बगदादी है। मैं ये होटल का ओनर हूँ। मैंने अभी रिसेंटली होटल ओपन किया है। यह होटल ओपन करने का जो हमारा मेन मोटिव था वो ये था कि यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं ना वो बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे विजयदुर्ग में इतना बड़ा फोर्ट रह के भी ना टूरिस्ट लोग रुकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना होटल्स की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छे क्वालिटी का फूड नहीं मिलता कभी कभार। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सब अच्छे नहीं बनाते, अच्छे है, बट फिर भी किधर ना किधर वो लोग रुकते नहीं है। तो वही कंसेप्ट को हम लोग ने ध्यान में रख के यहाँ पे एक प्रॉपर एक होटल ओपन किया है। मेरा होटल ये पटेल कैंटीन पे है, जो विजयदुर्ग रास्ते को जाने के तरफ एक पटेल कैंटीन से 50 मीटर्स के फासले पे और राइट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो आइए मैं आपको मेरे होटल का एक टूर कराता हूँ, कैसा है वो। ओके, ये हम लोग का एक डाइन एरिया है। यहाँ पे लाइक ओपन एयर आने के लिए वो टाइप में एक डाइन एरिया बना हुआ है। कभी कभी जो टूरिस्ट लोग आते हैं ना वो लोग अंदर बैठने के लिए थोड़ी मतलब प्रॉब्लम जैसी होती है, तो फिर हम लोग ये डाइन एरिया ऐसा बनाया है कि एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है। फिर से हम लोग ने वो सेट फैमिली डाइन एरिया बनाया है जो फैमिलीज लोग के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग्स किए हुए हैं। वो लाइटिंग्स मतलब कैसा देखने के लिए रात में बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे ब्रिज जैसा हम लोग ने एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की हुई है। और मैं आपको अपने टेंट वाला एरिया बताता हूँ। ये पूरा एक लाइक एक फैमिली जो होती है प्रॉपर एक बड़ी फैमिली यहाँ पे अकोमोडेट हो सकती है, ऐसे टाइप में एक ये हम लोग ने टेंट ये किया है। ऐसे अभी तो फिलहाल तो मैंने दो बनाया हूँ और एक मेरा वो साइड बनाना है मुझे एक टेंट, वो अभी फिलहाल तो चिल्ड्रंस एरिया है। वो चिल्ड्रंस एरिया मेरे को सेपरेट करके वहाँ पे एक टेंट बनाना है। ओके, तुमको और मैं अब बताता हूँ। और हम लोग के यहाँ पे ना स्पेशली तंदूरी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड और महाराष्ट्रियन, मालवनी और नाश्ता, ब्रेकफास्ट के लिए भी हम फेमस है यहाँ पे। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ के ब्रेकफास्ट भी हम लोग ये करते हैं। ओके, मैं तुमको मेरे रूम्स बताता हूँ। ओके, रूम चलेगा, चलो। ये हम लोग का फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव थ्री रूम्स। यहाँ पे थ्री रूम्स है, तो एक्चुअली कोई गेस्ट अकोमोडेटेड है तो मैं ओपन नहीं कर सकता। मैं आपको ऊपर का एक रूम ओपन करके बताता हूँ। ओके, ये एक रूम है हमारा जो प्रॉपर एक लाइक फैमिली रूम जैसे ही बोल सकते हो, वो एक रूम है ये हमारा। हमारे यहाँ पे टोटल 10 रूम्स है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक बिग फैमिली रूम्स है और दो ड्राइवर रूम है। मतलब लाइक मैं लगभग टोटल 10 रूम का आपका ये पूरा रेस्टोरेंट है। और भी कंस्ट्रक्शन चालू है जो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। तो ये एक रूम है, ऐसे ही ये फ्लोर पे भी टोटल 3 रूम है। टोटल फर्स्ट फ्लोर पे एसी रूम 6 है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है बड़ा, एक फैमिली रूम है बड़ा, फिर से दो ड्राइवर रूम है और ऊपर एक रूफटॉप जिम भी है। जिम है, ओके। आप व्यू का यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू आता है, आप देख सकते हो। तो बालकनी है, बहुत खूबसूरत रूम व्यू आ रहा है। हम लोग का जो ये एरिया है ना पटेल, यहाँ से पटेल से विजयदुर्ग जाने तक ना टोटल 6 बीच है जो हिडन बीचेस है। मतलब छोटे छोटे बीचेस है लेकिन प्रॉपर है और हिडन बीचेस है। तो हम लोग ये बीचेस जो है ना वो प्रॉपर एक पैकेज सिस्टम में भी अरेंज किया हुआ है। पैकेजेस के प्राइसेस है वो वेरी होते रहते हैं। तो आपको जो पैकेजिंग सिस्टम में चाहिए रहेगा यहाँ के पूरे एरिया की, ये पूरे जो तालुका देवगढ़ है जो अल्फोंसो के लिए फेमस है, वो देवगढ़ पूरा आपको एक्सप्लोर करना रहेगा। तो हम लोग पैकेजिंग सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्राइसेस वेरी है। मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्राइसेस होते हैं क्योंकि यहाँ के सीजनल के हिसाब से वो अलग अलग ये होता है। तो आपको फ़ोन लगा के बुकिंग करना पड़ेगी कि बाबा हम लोग इतने इतने लोग की फैमिली है, आप क्या पैकेजेस का जो कुछ रहेगा वो आपको फ़ोन पे एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा। फिर से हमारे रूम्स के चार्जेस भी रीजनेबल है। एसी रूम है वो तो 1700 का, नॉन एसी रूम 1200 रुपीज़ तक हम लोग दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग फूड के लिए भी फेमस है, यहाँ पे फूड भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हर हफ्ते में एक बार सैटरडे संडे को एक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे लाइव म्यूजिक होता है या तो फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ये हर हफ्ते हम लोग करते ही रहते हैं इंशाल्लाह। मतलब अभी तो फिलहाल स्टार्ट है, ये हफ्ते में हम लोग सैटरडे को, कल जो वीकेंड है कल के लिए हमारा लाइव म्यूजिक का सेशन है।
आके विजिट करो, जो फूड है वो इंजॉय करो, और अपने रेट्स जो है फूड के वो भी ज़्यादा ये नहीं है, रिजनेबल है। जो लोकल फूड है यहाँ पे वो वही रेट हम लोग यहाँ पे ही है, और उल्टा वहाँ से भी थोड़ी बहुत कम में ही है। तो मेरी आपसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक बार आओ, आओ और विजिट करो, यहाँ का फूड खाओ। आपको पसंद नहीं आया ना, आप पैसे भी मत दो, ये भी मैं बोल रहा हूँ, इतना अच्छा फूड क्वालिटी हमारे यहाँ पे है। अच्छा ओके, सो यहाँ पर अगर ऑनलाइन बुकिंग करना हो तो एक्चुअली फिलहाल तो मैं वेबसाइट पे फिलहाल तो हूँ नहीं, बट जल्दी तुरंत एक दो तीन दिन में मेरा वेबसाइट भी होटल के पेज की तैयार होगी। ऑनलाइन बुकिंग मतलब तुमको बुकिंग ही करनी है तो आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करो, मेंशन और डिस्प्ले पे भी मेंशन कर देंगे, डिस्प्ले में भी मेंशन करो, आप ऑनलाइन फोन कॉल करके बुकिंग करके आ सकते हो। ओके, सो ये आज का वीडियो है ना इधर ही खत्म होता है। जी हाँ, होटल रॉयल विजय दुर्ग, सो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करें। अगर आप लोग यहाँ पर, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो देवघर तालुका यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लाइक विजय फोर्ट, विजय दुर्ग फोर्ट ये घूमने के लिए जाते, सो अच्छा होटल है, क्वालिटी फूड, सो क्वालिटी फूड, तो क्वालिटी फूड में अपने पास क्या क्या है? हमारे पास क्वालिटी फूड में चाइनीज़ फूड है, तंदूरी फूड है, फिर से पंजाबी फूड है, महाराष्ट्रियन फूड है, यहाँ का स्पेशलिटी जो हम लोग रहते हैं कोंकण में, मालवन में, लाइक मालवनी फूड है, ये सब हमारे यहाँ का स्पेशलिटी है, और ब्रेकफास्ट भी स्पेशल है यहाँ पे। सो ये सब फूड है, आप एक बार आके ट्राई करें। जी ज़रूर एक बार आके आप लोग यहाँ पर ट्राई करें होटल विजय दुर्ग, मतलब एक फोर्ट के डिज़ाइन में ही यहाँ पर ये होटल बनाया गया है, काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। सो एक बार आप लोगों को ज़रूर विजिट करना है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करना हो, सो मुफीद भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग आते तो एक बार ज़रूर होटल रॉयल विजय दुर्ग में आपको विजिट करना है। सो आज की वीडियो इधर ही खत्म हुई, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ ये होटल रॉयल विजय दुर्ग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर। सो क्या बोलते हैं फिर, खुदा हाफिज़, वापिस अगली वीडियो में।